नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को, मनीष तरड़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। स्वागत करता हूं आपका। और जो पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज की जो ये वीडियो कवर करने के लिए पहुँचे हैं पवनदीप भाई के फार्म पर, और आज की वीडियो में तकरीबन 15 से 20 गाय आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ से सेल होकर जो कहाँ जा रही है, पूरी है जो प्रॉपर डिटेल आपको वीडियो में देंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। आगे की जानकारी लेते हैं भाई साहब के साथ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का प्रॉपर एड्रेस बताएं। मेरा नाम है जी पवनदीप सिंह गरेवाल, विलेज 21 PS, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान। ठीक है। और अपने कॉन्टेक्ट नंबर 98752-54920। ठीक है। और आज की वीडियो में कितनी गाय दिखा रहे हो? आज की वीडियो में 15-16 पशु है, इसमें से कुछ एक लोट है बिक के जा रहा है चित्तौड़ और भीलवाड़ा के लिए। ठीक है। कितने गाय जा रही है? इसमें से 8 गाय है जी। ठीक है, 8 गाय है। हाँ जी। चित्तौड़ और भीलवाड़ा के लिए जा रही है। हाँ जी। ठीक है। दूध कहाँ से कहाँ तक की है? दूध भाई साहब 35 लीटर से लेके, हाँ जी, मतलब 20 लीटर से लेके 35 लीटर तक की है। ठीक है, पहले के जितना ही है, लगभग 20 से लेके 35 लीटर वाली गाय है। और आज की वीडियो में जैसे सामने देख पा रहे हो एक बड़ी गाय भी है। हाँ जी। ठीक है। अगर कोई भाई इसी प्रकार से गाय खरीदने के लिए आना चाहता है तो मिल जाएगी गाय? बिल्कुल मिल जाएगी भाई साहब। ठीक है। ब्याई हुई कितनी गाय दिलवाई है? ब्याई हुई तो इनमें से 2-3 गाय है ब्याई, बाकी लमसम ब्याने वाली है, क्या बनी है। बाजार में क्या है, ग्राहक बहुत है, अभी अपने पास ही 4 से 5 पार्टी आ रखी है। बिल्कुल जी, जो सामने आप देख पा रहे हैं। हाँ जी, जितना ज्यादा ग्राहक होगा, जिस चीज की मांग बढ़ेगी उतना बाजार में उसकी कमी रहेगी। सही है। हाँ भी, जैसे गाय मतलब ब्याने देता ही नहीं कोई सही गाय, तो अब ये गाय की बात करें तो ऐसी गाय को कौन ब्याने देगा। सही है। और ऐसी गाय की बात करें तो लमसम दूध की बात करें, हाँ जी, हमने इसका 30 लीटर बोल के दिया है। ठीक है। नहीं तो 50-55 लीटर ऐसी गायों का बोल के दे रहे हैं। हमारा वैसा काम नहीं है, मतलब जितना बोला आगे उतना जाके निकले। सही है। हाँ जी। ठीक है। अगर ऐसी गाय है, ठीक है, किस रेट में मिलेगी जो आपने गाय दिलवाई है? भाई साहब इनमें गाय लमसम 45,000 से लेके, हाँ जी, 1 लाख तक की गाय है। ठीक है, आज की वीडियो में। हाँ जी। अगर कोई भाई आना चाहता है तो मिनिमम कितने एक रेट की गाय मिल जाती है? लमसम जैसी गाय आजकल ग्राहक को पसंद आती है 60,000 से 75,000 की एवरेज चल रही है। ठीक है, मान लो कि 60 से। हाँ जी। अब कई भाई कह देते हैं आपने 60 और 75 का बोल के बुला लिया, मिलती नहीं है। हाँ जी। वो उसका भी गाय की कंडीशन के ऊपर है। सही। जो एवरेज में मीडियम चलती है गाय, हाँ, वो 60 से 75 की एवरेज की है। ठीक है। और बाकी गाय लाख की भी है, गाय सवा की भी है। बिल्कुल। वो तो जैसी गाय लोगे, गाय की ब्रीड है, ब्यांत है, सब चीज देखी जाती है, उसके हिसाब से ही उसका रेट तय होता है। सही है। हाँ जी। क्योंकि जैसे 35-40 लीटर दूध वाली बड़ी गाय है तो उसके बड़े ही पैसे लगेंगे। भाई साहब मैं तो 35-40 का बोल के बुलाता ही नहीं हूँ। ठीक है। एक आध गाय होती है बाजार में, मतलब वो भी कोई 10-20 दिन में निकल जाए तो अलग बात है। हाँ जी। नहीं तो लमसम 20 से 25 लीटर दूध ही बहुत होता है। सही है। और बहुत अच्छी गाय होती है वो ही 30 लीटर निकाल पाती है। सही है। वैसे बोलने को तो 50-55 आम ही आजकल चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और बाकी रेटों की बात है, कोई भी भाई आना चाहता है तो रेट कम समझ के ना आए भी, गंगानगर में रेट कम है और सस्ता है। अब कई है। भाई आते हैं, बुला लेते हैं लोग 50-55-60 का बोल के, आने के बाद पशु नहीं बनता है। ठीक है। उन भाइयों से निवेदन है हमारी वीडियो पूरा ध्यान से देखा करें, शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखो, उसमें हर गाय का की हर डिटेल दी जाती है। हाँ, सारी डिटेल होती है, एक एक पशु का, हर पशु का रेट होता है, उसमें आइडिया लग जाता है भी कौन सा पशु किस भाव में बन रहा है। बिल्कुल। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम जीवराज जाट है। ठीक है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। ठीक है, भीलवाड़ा से आप, और आप कहाँ से हो? मेरा नाम शिवलाल जाट है और मैं भी भीलवाड़ा के पास का हूँ। ठीक है, दोनों ही भीलवाड़ा से हो। जी जी। ठीक है। और पवनदीप भाई के फार्म पर कब आए थे आप? हम तो कल सवेरे आ गए थे यहाँ पे। ठीक है। इन भाई साहब को 2 दिन हो गए। हाँ, मुझे आए हुए 2 दिन हो गए जी। ठीक है, ये कल आए थे और ये 2 दिन हो गए इन भाई को। और कितनी कितनी गाय खरीदी दोनों ने? मैंने तो गाय अभी एक ही खरीदी है। हाँ जी। और मैंने 4 गाय ली है। ठीक है, 4 गाय ली है। और रहने खाने की सुविधा कैसी लगी आपको? रहने खाने की हमारे घर जैसा व्यवहार भाई साहब का। ठीक है। हम तो ये मानते हैं कि हमारा घर ही है।
ठीक है, बस कभी भी हर चीज से जो संतुष्ट हो यहाँ संतुष्ट है, जो अपने को जो बोला फोन पे बात हुई वही हुआ अपने साथ। ऐसा नहीं कि भाई फोन पर बुलाने के लिए कुछ भी कह दिया और आप वहाँ पे आए फोन नहीं उठाया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है पवन भैया को। सबसे बड़ी बात भाई साहब रेटों की होती है। हाँ जी, रेटों को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, रेटे बाजार के भाव थोड़े तेज हैं। बिल्कुल जी, और आजकल जो है अभी कम बोल के बुलाने का चक्कर है, अपने पास वैसा नहीं है। सही, आके इतनी दूर से भाई साहब आते हैं, इनको भी मतलब आने में भी दिक्कत, फिर जाने में मतलब अपने झूठ बोल के इनको बुला लें, फिर ये खाली जाएं। सही, ऐसा काम अपने गलत क्यों करें? बिल्कुल जी, कोई फायदा ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, जो बोला था फोन पे, जो बोला था यहाँ पे आए, हमें कोई अंतर नहीं लगा, बहुत घुमाया था हमारे। ठीक है, जैसे कि वीडियो में गाय दिखाते हैं जिस रेट की, उसी रेट की मिली या अप डाउन मिली? नहीं, उसी रेट की, हमारी पसंद की दिलाई थी। ठीक है, मैंने चॉइस चॉइस की वैसी गाय इनको मिलाई। ठीक है, आपकी चॉइस के अनुसार ही गाय दी आपको? हाँ जी, ऐसा नहीं कि भाई जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती के साथ कुछ भी नहीं है, हमारे हिसाब से जो गाय लेनी थी वो ठीक है लिए। अगर कोई भाई पवनदीप भाई के फार्म पर आना चाहता आपकी तरफ से, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसके लिए यहाँ पे आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, भाई साहब को बता देंगे यहाँ पे कहाँ पे इनका मकान है, 21 PS रायसिंह नगर श्री गंगानगर में, और यहाँ पे खाने रहने की अच्छी व्यवस्था है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई भी भाई है जो बेझिझक आ सकता है, कोई चोरी ठगी वाला यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं है, ऐसा काम नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी पवनदीप भाई, सबसे पहले नंबर पर जो ये गाय दिखा रहे हो, इसके बारे में बताइए डिटेल से। ये भाई साहब ब्याने वाली है, अभी हफ्ते भर का समय बाकी है ब्याने का। ठीक है, ब्यांत कौन से? तीसरे ब्यांत की है जी। ठीक है, थर्ड टाइमर है, ब्याने वाली है, अभी हफ्ते का समय ले रही है। हाँ जी, हाइट लेंथ की बात करें तो बहुत काफी एक्स्ट्रा हाइट की है, और आज की वीडियो में सबसे बड़ी गाय, सबसे बड़ी गाय है जी, ब्यांत तीसरे। हाँ जी, तीसरा ऑर्डर देख सकते हो, काफी अच्छा ऑर्डर है। और दूध की कितनी की उम्मीद है? दूध की बात करें तो बड़े आराम से 35 तक दे देगी, हमने 30 लीटर बोल के दिया है। ठीक है, 35 लीटर तक आराम से दे देगी। हाँ जी, ऐसी गाय बाजार में मतलब 50-55 लीटर बोल के भी दी जा रही है। बिल्कुल जी, ऑर्डर देख कर तो इसका भी बोल दो, चलेगा? चलेगा जी, इतनी जैसे लंबाई हाइट मतलब ब्रीड वाइज बहुत अच्छी गाय है जी, और पीठ पुट्ठे की क्वालिटी देख सकते हो, पूरी बहुत ही शानदार गाय, वजनदार गाय है, चमकदार है, बाकी लेवटी देख सकते हो बहुत ही शानदार है, चारों तनों का गैप बिल्कुल इसी तरह की, कोई कमी नहीं है गाय में। सही, ऑर्डर तो इतना बड़ा है कि चला भी नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा, और बाकी मुंह से देख सकते हो फेस क्वालिटी, कोई कमी नहीं है किसी तरह की। और ये किस रेट में दिए? ये भाई साहब 2,90,00 की, 98,000 रुपए की दिए। ठीक है, किराया जो अलग से लगा है, किराया अलग से है, 98,000 की दिए। पवनदीप भाई, इससे आगे एक और बछड़ी दिखा रहे हो, इसके बारे में बताएं। ये भाई साहब दूसरे ब्यांत में ब्याई है। ठीक है, पीछे इसके शायद बछड़ी है, सेकंड टाइमर है, ब्याई हुई है, ब्याई हुई है, आज दूसरा तीसरा दिन ही है ब्याई को। ठीक है, 2-3 दिन। हाँ, की और कितना निकाल रही है? हाइट की बात करें तो मीडियम हाइट है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ऑर्डर देखे तो बहुत ही शानदार ऑर्डर है। बिल्कुल जी, काफी बड़ा ऑर्डर है। हाँ, काफी बड़ा ऑर्डर है, टैंक साइज ऑर्डर बोलते हैं वैसा है। चारों थनों का गैप देख सकते हो, बहुत ही शानदार है। और खीस कितना के मौके पर तैयार? मौके पे अभी 16 लीटर खीस होगा, परंतु अपने 20 लीटर का बोल के दिया है। ऐसी गाय 30 लीटर भी बोले तो चलता है। सही है, 20 लीटर बोला है, 20 जो निकलेगा, क्योंकि वीडियो में जो हाइट का भी काफी कम पता लगता है, कम पता लगता है, मीडियम हाइट है। और जो इसको बोल देते हैं ना आपकी फुल हाइट की है, फुल हाइट है, तो मतलब वीडियो तो जूम करके भी बन जाता है। सही है, परंतु अपने वैसा काम नहीं है, जितना है जो है वो ही बताएंगे। बिल्कुल जी, जो रियलिटी है वो, हाँ रियलिटी बताना है अपने। मेन चीज सबसे आप देखिए थनों का जो साइज, बहुत ही शानदार थन है, और अडर पर नशे है वो भी आपको दिखाई दे रही है, साफ काफी बढ़िया। और ये किस रेट में दिए? ये भाई साहब 77,000 रुपए में दिए जी। ठीक है, 77,000 रुपए में दिए, ये भीलवाड़ा के लिए जाएगी। पवनदीप भाई, इससे आगे एक और गाय दिखा रहे हो, इसके बारे में बताएं। ये भाई साहब तीसरे ब्यांत में ब्याएगी। ठीक है, ब्याने का हफ्ते से 10 दिन का समय बाकी है। ठीक है, हफ्ता 10 दिन ले जाएगी। हाँ जी, हाइट लेंथ देख सकते हो, काफी अच्छी हाइट लेंथ की है, पूरी बड़ी गाय, बड़ी गाय है, ऑर्डर देख सकते हो, बहुत ही शानदार ऑर्डर की गाय है। बिल्कुल जी, फिक्स ऑर्डर, फिक्स ऑर्डर है, और अभी आने वाले दिनों में काफी अच्छी ग्रोथ करेगा। और मेन चीज कि अडर पर नशे, नशे ये बहुत ही शानदार नशे है, चार रतन मुठिया, और बिल्कुल है जो बिल्कुल शांत स्वभाव की है। और ब्रीड कौन सी है? HF में है जी। ठीक है, हल्का सा क्रॉस भी है। ठीक है, हल्का क्रॉस है, 5-10%, बाकी चमड़ी देख सकते हो बहुत ही शानदार, पतली चमड़ी की गाय है। और दूध कितना तक दे देगी? दूध भाई साहब जो निकलने वाला है 30 लीटर बड़े आराम से निकालेगी। ठीक है, 30 लीटर आराम से दे देगी, क्योंकि 35 बोले तो भी चलता है। सही है, हाइट लेंथ है वो भी काफी बड़ी, काफी बड़ी हाइट लेंथ की है। और मिले के वेन आप देखिए, काफी अच्छी है, अच्छी है। और ये किस रेट में दिए? 87
87,000 की? हाँ जी 87,000 रुपए की दी है, बाकी ऐसी गायों के रेट तो आपको पता ही है बाजार में क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल जी, हाँ लाख की आराम से बिकती है। हाँ बहुत ही वाजिब रेट में है, कोई महंगा नहीं बोल सकते इसको। पाउंडी भाई इससे आगे एक और गाय दिखा रहे हो, इसके बारे में बताएं डिटेल से। भाई साहब ये ब्रीड में गाय है ब्याने के, इसके अभी हफ्ता 10 दिन का समय बाकी है। हाइट लेंथ देख सकते हो काफी शानदार है और बाकी ब्रीड वाइज बहुत ही शानदार है। ठीक है, प्योर ब्रीड में एचएफ? प्योर एचएफ ब्रीड में है। थन देख सकते हो, चारों थन मुठिया थन लगा हुआ है और साथ में की गुलाबी थन, गुलाबी थन है। दूध कितना दे देगी? दूध की बात करें तो बड़े आराम से 30 लीटर दे देगी जी। ठीक है, 30 लीटर तक जो निकलने वाला है निकालेगी भी, बाकी होती है अपने ऊपर डाइट कैसी दे रहे हैं, डाइट प्लान कैसा है, जैसा संभाल होगी वैसा दूध, वैसा दूध है इनसे तो, ब्रीड से तो मतलब जैसा अपने डाइट देंगे, डाइट प्लान अच्छा होगा तो किलो 2 किलो 5 किलो अपने ज्यादा निकाल सकते हैं। क्योंकि ये ब्रीड ऐसी है कि जितना खिलाओगे उतना ही निकाल, उतना ही निकाल लेंगे। और ये किस रेट में दिए? ये 90,000 रुपए में दिए। ठीक है, 90,000 भाई। इससे आगे एक और गाय दिखा रहे हो, इसके बारे में बताएं डिटेल। ये भाई साहब दूसरे ब्यांत में ब्याई है। ठीक है, और पीछे भी शायद बछड़ा होगा। ठीक है, सेकंड टाइमर और ब्याई हुई है। हाँ, हाइट लेंथ देख सकते हो काफी अच्छी है, क्रॉस ब्रीड में बछड़ी है। ठीक है, एचएफ और साहिवाल का क्रॉस है और अडर देख सकते हो बहुत ही शानदार अडर की है, कंपैक्ट अडर की और बिल्कुल जो टाइट और टाइट बढ़िया अडर से बोला जाता है। हाँ जी, थन भी बहुत शानदार लगा हुआ है और छोटा छोटा सींग है, हल्के नाम मात्र सींग नाम मात्र ही है। और दूध कितना तक दे देगी? दूध भाई साहब मान के चलो 18 से 20 के बीच में दे देगी, बड़े आराम से। वो अपने डाइट प्लान के ऊपर होता है दूध। सही है, आराम से बढ़िया दे देगी। और ये किस रेट में दिए? ये जी हमने 52। ठीक है, 52,000 रुपए में दिए, बिल्कुल बाजी भी रेट है। ये कहाँ जाएगी? ये भीलवाड़ा के लिए जा रही है। ठीक है, ये भीलवाड़ा। भाई इससे आगे सिंगो वाली गाय दिखा रहे हो, ये कौन सी ब्रीड की है? ये भाई साहब जर्सी का और साहिवाल का क्रॉस सा है। ठीक है, जर्सी साहिवाल क्रॉस मिक्स ब्रीड की? हाँ मिक्स ब्रीड है, इसका भी हफ्ते 10 दिन का समय बाकी है। ब्यांत कौन सा है? ब्यांत भाई साहब बोलने को दूसरा बोल दे, तीसरे ब्यांत की मानो आप। ठीक है, ओरिजिनल है जो तीसरे ब्यांत? हाँ तीसरे ब्यांत की है। बाकी थन देख सकते हो बहुत ही शानदार राइडर, बहुत ही शानदार राइडर की गाय है। बिल्कुल जी, अभी हफ्ता 10 दिन लेगी तो काफी बढ़िया ऑर्डर आपको देखने को, हाँ काफी बढ़िया ऑर्डर देखने को मिलेगा। रेडन भी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत रेडन का भी क्रॉस है। ठीक है, हाँ जी। और दूध की बात करें तो अपने 16 लीटर बोल के दिया है, दूध 20 भी निकाल सकती है। ठीक है, हाँ जी भी अपने 16 ही बोल के दिया और बिल्कुल वाजिब दाम में 45,000 रुपए में दिए जी, क्योंकि 17-18 लीटर तो आराम से भी दे। हाँ जी, बाकी भाव बहुत ही जायज है। बिल्कुल जी, 45,000 के तो बकरे बकरियां ही बिक रही है, 40-45 के। सही है, हाँ जी। जी पाउंडी भाई इससे आगे एक और गाय दिखा रहे हो, ये कौन सी ब्रीड की? अपने पहले भी वीडियो में लगाई थी। ये गिर क्रॉस है जी, जिसको गिरलैंडो बोल देते हैं। ठीक है, गिर और एचएफ का क्रॉस है और दूसरे ब्यांत की है, ब्याने के अभी 10-12 दिन का समय ले रही है, बड़े आराम से ले जाएगी। और दूध की बात करें तो 18 से 20 लीटर बड़े आराम से दूध निकाल देगी। ठीक है, 18-20 लीटर तक आराम से दे देगी। अपने 18 बोल के दी है, मतलब निकालेगी 20 लीटर है। क्योंकि हाइट लेंथ है और वजन है, बहुत तीनों जो काफी अच्छे, काफी अच्छी चीज की थन है। हाँ बिल्कुल ही शांत स्वभाव की है और मुंह से देख सकते हो फेस क्वालिटी बहुत ही शानदार गाय है। बिल्कुल जी, काफी अच्छा रखने लायक। ठीक है, तो लगभग जो गिर वाला ही आ गया, गिर वाला है जी, गिर का क्रॉस है, गिरलैंडो बोलते हैं इसको, और किसी तरह की कमी नहीं है गाय में। ठीक है, बिल्कुल है जो शांत स्वभाव। हाँ, ये कोटा के लिए जाएगी। पाउंडी भाई से आगे एक और गाय दिखा रहे हो, इसके बारे में बताएं डिटेल। ये भाई साहब तीसरे ब्यांत की है। ठीक है, और ब्याई 4-5 दिन की ब्याई है, दूध की बात करे तो 30 से प्लस की मालिक ने फुल गारंटी दी है। ठीक है, 30 लीटर की? हाँ जी, अपने 28 लीटर का बोल के दी है और मिल्क वेन देख सकते हो बहुत ही शानदार है, काफी मोटी मिल्क वेन की गाय है। बिल्कुल जी, काफी बढ़िया मिल्क वेन। हाँ, और जो थनों का साइज बहुत ऑर्डर काफी बढ़िया साइज का। हाँ जी, जो दूध है निकाल भी देगी। ठीक है, जितना बताया निकाल भी देगी। हाँ 30 लीटर बड़े आराम से निकाल दे, हाइट लेंथ काफी शानदार है, किसी तरह की कमी नहीं है जी गाय में। और जैसे मिल्क वेन शानदार बछड़ी है इसकी, मिल्क वेन तो ऐसी लगी है कि वो अपने मोटर वाली पाइप लगी है, हाँ, पाइप की तरह है जी, काफी अच्छी हाइट लेंथ के साथ। और ब्रीड कौन सी है? एचएफ का क्रॉस है। ठीक है, एचएफ और साहिवाल का क्रॉस है, पीछे एचएफ की बछड़ी है, बहुत ही शानदार बछड़ी है। कौन सी? ये वाली बछड़ी साथ में? हाँ जी। ठीक है, ये वाली बछड़ी है साथ में, ताजा ही ब्याई हुई है।